तो दोस्तों सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है केमिस्ट्री की सीरीज चालू की गई है आपके लिए, और आरआरबी जेई की यदि हम बात करें तो आरआरबी जेई में जो है आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका बायोलॉजी यानी टोटल साइंस की यदि बात करें आपसे हम, तो साइंस का जो वेटेज है वो 30% दिया गया है। तो इसमें आपका साइंस जो है एक बहुत अच्छा खासा मतलब रोल प्ले करने वाला है, तो आपको जो है साइंस को जो है अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे जो है आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री की ये दो सीरीज चालू की गई है, और आपका फिजिक्स की भी सीरीज बहुत जल्द ही चालू किया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि आपकी जो साइंस की तैयारी है यहाँ पे अच्छी तरह से हो जाएगी। और टेक्निकल के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड ग्रुप जो है चल ही रहा है आपका, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड ग्रुप से है उनके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है। तो आप जो है साइंस का जो है मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ ही नोट्स बनाते चलिए। और ये जो केमिस्ट्री की सीरीज है इसमें जो है हम लोग 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 9th और 10th का मिलाकर। और इसमें जैसे कि 2nd चैप्टर ये आपका चल रहा है, और 2nd चैप्टर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है हम लोग फर्स्ट जो है बात किए थे जितने भी मॉडल मतलब प्रेजेंट किए गए थे आपका, जैसे कि आपका थॉमसन मॉडल हो गया और रदरफोर्ड अदर मॉडल जो भी था, और लास्ट में हमने बात किया था कि जो आपका मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर है कैसा है उसके बारे में हमने बात किया था। और एक जो है इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके बारे में हम लोग देखे थे कि सेल क्या होते हैं, सब सेल क्या होते हैं, और आपका जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये सारी चीज हम लोग कल देखे हुए थे। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए थे आरआरबी जेई में, आरआरबी जेई और आपका जो है ग्रुप डी और एएलपी में, वो मैं आपको यहाँ पे कराया भी था। और आज जो मैं बात करूंगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड है, वो है आपका अबाव प्रिंसिपल। तो देखिए अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है वो हम आपको अबाव प्रिंसिपल के आधार पे बताएंगे, ताकि आप जल्द से जल्द कैसे आप लिख सकते हैं, और जो भी एक्सेप्शनल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाव प्रिंसिपल का। तो देखिए जो अबाव प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है ऑर्बिट में वो मतलब किस तरह से फिल किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग कंसेप्ट जो दिए थे वो आपका अबाव प्रिंसिपल ही दिए हुए थे। यानी कि जो ये आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है आपका ये क्या है ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल किए जाएंगे ये जो दिए हुए थे ये अबाव प्रिंसिपल के थ्रू मतलब मिला हुआ था। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिट के जो इनर्जी लेवल है, ठीक है, तो इनर्जी लेवल जो इंक्रीजिंग ऑर्डर इनर्जी लेवल होगा आपका ऑर्बिट का, उसके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जब बोर मॉडल पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस के जितने पास वाले जितने ही पास होंगे ऑर्बिट उनकी एनर्जी उतना ही कम होगी, और ये धीरे धीरे जितना ही मतलब इससे दूर जाएंगे, यानी कि जो आपका ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर रहेगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि उन्होंने सिंपली ये कहा कि सबसे पहले जो होगा एनर्जी जो फील होगा न्यूक्लियस के पास वाले में जो ऑर्बिट होगा उसमें होगा, इसके बाद जो है उसके बाद इस तरह से ये चलता रहेगा। यानी कि जो लोअर एनर्जी लेवल होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके बाद उससे जो एनर्जी लेवल ज्यादा होगा उसमें जाएगा, और सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के थ्रू जो है ये इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग में जो है हम किस तरह से पहचानेंगे कि किस ऑर्बिट का जो है जो आपका एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है और कम है, तो उसके लिए उन्होंने एक रूल दिया था N+L रूल, ठीक है। इसी N+L रूल के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस ऑर्बिट का जो है एनर्जी लेवल ज्यादा होगा और किसका जो है आपका कम होगा, या किस सेल का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा और किस मतलब कि आपका सेल का कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जैसे N आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है ऑर्बिट होता है, ये आपका ऑर्बिट होता है, या फिर आपका ये क्या होता है सेल होता है, ठीक है। अब L जो है यहाँ पे एक नया टर्म आया हुआ है, वो आपका जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका एजीमुथल
क्वांटम नंबर, देखिए इस तरह से उन्होंने बहुत सारा दिया हुआ था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी दिए थे, लेकिन जो हम लोग को जरूरी है वही यहाँ पे देखना हम लोग देखेंगे। तो देखिए एल जो था आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको जो है याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पे एल की वैल्यू आप जो है याद रख लीजिए, ठीक है। तो आप जो है एस आपका जो सबसेल होता है उसके लिए जो एल की वैल्यू होती है, यहाँ पे हम एल की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो जीरो होती है। आपका पी जो सबसेल होता है इसके लिए वन होती है। इसके बाद आपका डी सबसेल होता है उसके लिए आपका दो होता है, और जो एफ होता है उसके लिए जो होता है आपका तीन होता है। तो ये वैल्यू आप बस याद रख लीजिए, यहाँ पे बस इतना ही जानना है, ज्यादा इसके बारे में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जितना काम भर जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है उतना ही हमको यहाँ बता रहे हैं आपको, क्योंकि टेंथ में उतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सब इलेवन ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। तो मैं बस केवल टेंथ के हिसाब से यहाँ पे और जो एग्जाम रिलेटेड है वही मैं आपको यहाँ बताया हूँ। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एल की वैल्यू होती है एस सबसेल के लिए जीरो होती है, पी सबसेल के लिए वन, डी सबसेल के लिए दो और आपका एफ सबसेल के लिए तीन होती है। अब देखिए हम लोग एन प्लस रूल के हिसाब से समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने ये बताया था कि जो एन प्लस जो आपका एनर्जी लेवल फिलिंग होगा, जो एनर्जी लेवल फिलिंग होगा वो क्या होगा कि एन प्लस एल की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, यानी कि जो आपका एनर्जी होगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल, यानी कि एन प्लस एल की वैल्यू जितना जिसके लिए ज्यादा होगी, जिस ऑर्बिट के लिए या सबसेल के लिए, उसकी एनर्जी उतना ही ज्यादा होगी। तो आप जो है यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम बात करें यहाँ पे कि जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1s और आपका 2p, ठीक है, यहाँ पे n प्लस एल की बात करें हम, तो देखिए n प्लस एल जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपका शो करता है वो ऑर्बिट या फिर सेल शो करता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं पेन चेंज करके यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो देखिए n की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है और इसके लिए जो है n की वैल्यू कितने है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका l की वैल्यू कितनी है, तो s के लिए हम बताए थे आपका 0 है, तो इसके लिए n प्लस एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसके लिए n प्लस 1 की जो वैल्यू होगी, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू चूंकि p है तो p के लिए क्या होता है, 1 होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो ये आपका ज्यादा है, यानी कि सबसे पहले जो इन दोनों में पूछा जाए कि सबसे पहले किसमें जो है इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो आपका n प्लस एल की वैल्यू जिसकी जो है कम होगी उसमें पहले जाएगा, यानी कि ये वाला जो सबसेल है 1s उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा और इसके बाद जो है आपका 2p में जाएगा, या फिर 2s भी रहता तो उसके लिए भी आप निकालते तो 2 आता वहां पे, तो 2s में जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि जो n प्लस एल रूल है वो क्या होता है कि जिसकी वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बार आ जाएगा और जिसमें n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें बाद में बार आ जाएगा। इसी तरह एक दो और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो n प्लस एल रूल है वो किस तरह से मतलब यूज किया जाता है आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो जैसे कि देखिए हम आपको जो बताए हुए थे जो अभी पीछे कि जो आपका n की वैल्यू होती है 0 1 इस तरह से ये जाता है, ये आपका ऑर्बिट है, और k की जो वैल्यू होती है ये जो आपका सिंबल जो होता है वो आपका k l m n, ये इस तरह से आपका प्रीवियस जो है अभी हम आपको बताए हुए थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये भी हम आपको मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किस सब सेल में, ये सारी चीज हम आपको बताए हुए थे। इसकी बात किया जाए तो ये सब सेल s होता है, इस वाले में s और p होता है, और इस वाले में यदि बात किया जाए तो s p और d होता है, और इस वाले में बात किया जाए तो s p और डी एफ होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहूं कि यदि मान लेते हैं कि आपको जो दिया गया है वो 2s है और 2p है, ठीक है, ये दोनों एक ही सबसेल के हैं। सपोज इसके लिए यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2s 2p लिखेंगे, सॉरी इसके लिए लिखेंगे तो 1s और यहाँ पे जो सॉरी यहाँ से n इक्वल टू 1 से और यहाँ पे जो 2 होगा ये 3 होगा, ये आपका जो चालू होता है वो 1 से होता है। तो देखिए इसको आप सही कर लीजिएगा, n की वैल्यू जो होती है 1 ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरह से ही आगे बढ़ता है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो देखिए यहाँ पे जो होता है आप जानते ही हैं कि ये जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 ये ऑर्बिट है,
तो देखिए यदि हम इसके लिए बात करेंगे तो जैसे आप 2s और 2p देख रहे हैं यहाँ पे, तो पूछा जाए कि इसमें सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में भरा जाएगा, यानी कि s सबशेल में जाएगा या फिर p सबशेल में जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि s सबशेल में जाएगा या p सबशेल में जाएगा, तो आपका आंसर यदि इस तरह आपको मालूम है कि ये जो है पहले फिल होगा तो अच्छी बात है, लेकिन आपको यदि चेक करना है तो किस तरह से आप चेक कीजिएगा कि n प्लस l की वैल्यू दोनों के लिए चेक कीजिएगा। इसके लिए n की वैल्यू जो है 2 है और l की वैल्यू जो चूंकि s है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसके लिए हम बात करें तो देखिए n की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, लेकिन l की जो वैल्यू है p के लिए जो होता है आपका, मैं बताया था कि 1 होता है, तो यहाँ पे जो होगा p की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फील होगा वो किसमें होगा, आपका 2s में होगा, और इसके बाद में जो है आपका 2p में होगा, और इस तरह से ही होता है। ठीक है, जैसे कि आप लिखते हैं तो 1s से चालू करते हैं, फिर 2s, फिर 2p, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाते हैं, फिर 3s। तो उन्होंने जो लिखने का तरीका था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो इस प्रिंसिपल के थ्रू बताने की कोशिश किए थे वो। और आगे जो एक जो है, जिस तरह से यहाँ पे हर एक में जो है n प्लस l रूल को चेक करना जो है संभव नहीं है, तो एक जो है शॉर्टकट मेथड मतलब कि याद रखने के लिए भी उन्होंने दिया, और उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि वो शॉर्टकट मेथड क्या है। तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड जो फाइनली जो इसका जो है कंक्लूजन है उस पे हम आते हैं, वो जो क्या कहे थे और किस तरह से लाए हुए थे वो हम लोग सीख लिए। अब जो है क्योंकि आपको फटाफट लिखना है तो इसके लिए हर एक जगह n प्लस l रूल को चेक करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा सीरीज है उसको आप याद रखिए, और वो सीरीज यही बताती है कि किस सबसेल में जो है पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। और वो जो सीरीज बनाई गई है वो आपका मतलब कि जो एनर्जी लेवल है वो लोअर टू हायर की तरफ ही बनाया गया है, और वो इसीलिए बनाया गया है कि आप इजीली जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लिख सकें। तो यहाँ पे जो है हम आपको जो इसका इजी फॉर्मेट है वो हम आपको बता रहे हैं ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है आपका वो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपका 1s है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं केक के लिए जो होता है आपका वो ए सबसेल होता है, और n इजकल टू यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 1 होती है। ठीक है, इसी तरह n इजकल टू 2 की यदि हम बात करें तो इसके लिए जो है आपका l होता है ये, और यहाँ पे जो होता है आपका 2s और 2p लिखा जाता है क्योंकि n की वैल्यू 2 है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद n की वैल्यू यदि हम 3 की बात करें, यहाँ पे KLM यहाँ पे होगा आपका, और यहाँ पे जो लिखा जाता है वो 3s, 3p और 3d लिखा जाता है। इसके बाद n की वैल्यू 4 किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे KLM n हो जाता है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू जो होती है 4s, 4p, 4d और 4f होता है। इसी तरह आगे भी आप लिख सकते हैं, n इजकल टू 5 के लिए आप जो है यहाँ पे o लिख सकते हैं, और ये जो होगा 5s, 5p, 5d और ये 5f। इसी तरह से आगे भी आप इस सीरीज को बढ़ा सकते हैं। ये अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए इस तरह कैसे लिखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि n की वैल्यू जो होती है, ये वाला जो आपका शो करता है कि ये आपका किस ऑर्बिट की बात किया जा रहा है, जैसे n इजकल टू 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं n इजकल टू 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा गया है, चूंकि l जो होता है उसमें 2 सबसेल होते हैं तो ये आपका 2 सबसेल लिखा गया है। इसी तरह देखिए m में 3 सबसेल होते हैं spdf, तो यहाँ पे 3 लिखा गया है, और n की वैल्यू 3 होती है इसीलिए 3 लिखा गया है। इसी तरह n की जो आप जानते हैं सबसेल 4 होते हैं spdf, इसीलिए यहाँ पे जो है आपका spdf लिखा गया है, और n की वैल्यू 4 होती है तो ये इस तरह से लिखा गया है। इसी तरह आगे भी आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 6 के लिए, n की वैल्यू 7 के लिए, लेकिन उतनी की जरूरत नहीं पड़ पाता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जितना जो है आपके लिए जरूरत है उतना ही आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए इसको आपका इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए आपको ये वाले जो सीरीज है वो ध्यान में रखनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि मूव करते हैं फ्रॉम अप टू डाउन, यानी कि सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किया जाएगा वो सबसे पहले कहाँ किया जाएगा, वो आपका ये मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपका 1s में जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो ये किस में जाएगा आपका 2s में जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ किस में जाएगा आपका 2p, और इसके बाद जो है 3s में जाएगा। इसी तरह यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये किस में जाएगा सबसे पहले आपका, तो ये यहाँ पे जो है
तो ये आपका थ्री किस में जाएगा, आपका 3P4S, इसके बाद जो है ये आपका किस में जाएगा 4P5S, इसी तरह जो है आगे की तरफ जो है फिल किया जाता है आपका, ठीक है। ये वाला जो होगा इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा आपका, और भी आप इसमें जो है ऐड कीजिएगा, जैसे एन की वैल्यू यदि ज्यादा आती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो आपको सीरीज आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इतना जो है कि आप जो है इजिली उसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें यदि आपको लिखना हुआ तो इससे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए दिक्कत कहाँ आती है कि जैसे कि आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो 3P है, ठीक है, तो 3P के बाद जो आ गया है वो 4S आ गया है, 4S आ गया है, और 3T जो है बाद में आया है। यानी यहाँ पे जो है आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो 4S की एनर्जी लेवल है 3D के एनर्जी लेवल से क्या है, कम है, इसीलिए सबसे पहले जो है 4S को भरा जा रहा है, इसके बाद जो है 3D को भरा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से लिखने से क्या होता है कि आप जो है किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है इस सीरीज के थ्रू आप डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं इजिली। बस ये सीरीज आप बनाइए और इसके बाद लिखना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी कि किसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है किसकी एनर्जी लेवल कम है। तो ये झंझट जो होता है कि मतलब याद रखना कि पहले 3D आएगा या फिर पहले 4S आएगा, और भी सारा इसमें वेरिएशन आता है, तो उससे जो है आपको जो है टेंशन से मुक्त करने के लिए ये जो रूल है बहुत अच्छा रूल है, आप इससे इजीली जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे कोई हम एग्जांपल लेते हैं आपको लिखने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम पोटेशियम ले रहे हैं जो कि आपका K19 होता है, यहाँ पे Z यानी कि एटोमिक नंबर कितना है यहाँ पे 19 है। अब इसका बोला जाए कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखिएगा आप, तो आप इसी के अनुसार लिखिए 1s, ठीक है, इसके बाद आपका 2s, इसके बाद आपका 2p, इसके बाद आपका जो है 2p के बाद देखिए क्या आ रहा है 3s आ रहा है, इसके बाद जो है 3p आ रहा है, और आप इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आप फिल करते जाइए ताकि आपको पता भी चले कि कहां तक जाना है हमको। तो देखिए एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, यहाँ पे भी एस है तो 2 हो सकता है, पी में कितना हो सकता है 6 हो सकता है, और थ्री में एस में कितना हो सकता है 2 हो सकता है, और पी में यहाँ पे कितना हो सकता है आपका 6 हो सकता है। अब ये कितने हो गए, तो ये आप देख सकते हैं कि 10 यहाँ पे हो गए, 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है जो कि आपका जो अभी नेक्स्ट वाला जो ऑर्बिट आएगा, जैसे कि आपका 3p हो गया तो 3p के बाद आपका 4s आ रहा है, तो ये जो है 4s में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अब ये जो होगा आपका जो आपका यहाँ पे जो 19 इलेक्ट्रॉन दिए गए थे वो आपको यहाँ पे फिल करके दिखा दिए गए हैं कि किस ऑर्बिट में कितने जो है आपका इलेक्ट्रॉन गया है, किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे 2, 2, 4, 4, 6, 10 हो गया, 12, 6, 18, 18, 1, 19, यानी कि इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग करना था यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि किस तरह से फिल किया गया है। तो आप इसी के माध्यम से जो है लिख सकते हैं। और भी कोई एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जिससे कि आपका जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल हम बात कर रहे हैं आपका आयरन का, तो जैसे कि आप जानते हैं Fe जो होता है आपका, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 26 होता है, यानी कि Z इक्वल टू कितना हो गया आपका 26। अब इसका आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आप कैसे लिखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसी की तरह लिखिएगा जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। सबसे पहले जो है आपका 1s भरेगा, ठीक है, 1s भरेगा, इसके बाद आपका 2s भरेगा, 1s में कितना होगा आपका 2 हो गया, इसके बाद 2s में आपका 2 हो जाएगा, इसी तरह आपका 2p, जिस तरह से सीरीज चल रही है उसी तरह आपको सीरीज को आगे बढ़ाना है। इसके बाद जो है आपका 3s आ रहा है, इसके बाद आपका जो है 3p आएगा यहाँ पे, इसके बाद 4s है यहाँ पे, और इसके बाद जो है 3d है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप एक बार काउंट कर लीजिए, देखिए 10 यहाँ पे हो गया, 12, 6, 18, तो 20 हो गया यहाँ पे, और लास्ट में जो है कितना बचा है आपका 6 बचा हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है आप में डी में चला जाएगा, क्योंकि डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो लास्ट में जो 6 बच रहा है वो आपका इसमें चला जाएगा। इसी तरह आपको कोई भी यदि दिया जाए, सपोज कि आपका 23 जो है यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दिया जाए कि इसका जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप इसी तरह से लिखिएगा, तो जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, तो इसके लिए भी आप स्टार्ट कीजिएगा 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6, और इसके बाद आप चेक कर लीजिए 10 2 5 18, इसके बाद जो अभी जाएगा ये 4s² और ये आपका 3d, और इसमें कितना तक हो गया है आपका ये, तो 2 2 4 6 10 12
छह 18 तो 20, 3 बचा हुआ है तो 3 आपका आखिरी वाले में ये फिल हो जाएगा। तो किसी भी टाइप का यदि आपका एलिमेंट दिया गया है उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपका लिखना है तो इसी वाले रूल से आप चलिएगा, आप जो है मूव कीजिएगा फ्रॉम, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, मूव फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है। आप ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से एरो में बना दिया हूं, इसी तरह आप जो है मूव कीजिएगा तो आप जो है इजिली जो है लिख लीजिएगा और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए जो एक्सेप्शनल वाले हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा कि जो आपके एलिमेंट जैसे कि क्रोमियम हो गया जो एक्सेप्शनल है उनको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको कल बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों।